हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण आपका हमारे चैनल के बीच बायोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर का क्या काम है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले ये न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, इसीलिए आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है वो हम पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो आपको वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखो और आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज हम न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर से। ओके, न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का जो एनवलप रहता है वो टू कॉन्सेंट्रिक मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। जैसे कि ये देखिए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है वो एक्सटेंड हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहां पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज होते हैं वहां पे न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये क्या है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर स्पेस। और जहां पे इनर आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ है वहां पे क्या हुआ है, न्यूक्लियर पोर फॉर्म हुआ है। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, हम उसको इनलार्ज करके देखेंगे न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो रब कर लेता हूँ। न्यूक्लियर पोर्स बेसिकली 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बना हुआ है, और वो 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोरिन, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोरिन, न्यूक्लियोपोरिन। ये न्यूक्लियर इनवलप है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, और उन दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवलप। जो फर्स्ट जो इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, जैसे कि न्यूक्लियर लैमिना, इंटरमीडिएट फिलामेंट रहती है वो उसमें प्रेजेंट रहती है। ये क्या है, न्यूक्लियर लैमिना, विच इज हेल्प फॉर मेंटेन द स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, हेल्प कर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर लैमिना हेल्प करती है। न्यूक्लियर लैमिना में स्पेशली जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, तो हम बेसिकली इस स्ट्रक्चर के मींस न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अभी यहाँ पे इसको लैमिनल कॉम्प्लेक्स है, यह
ये न्यूक्लियर रिंग है। और न्यूक्लियर रिंग को दो चार ये क्या है डिजिटल रिंग, इसको डिजिटल रिंग कहते हैं। ये जो है न्यूक्लियर फाइबर फैब्रिल, क्या है न्यूक्लियर फैब्रिल, ओके। और इसको कहते हैं बास्केट रिंग, क्या कहते हैं न्यूक्लियर बास्केट, ओके। और ये है न्यूक्लियर रिंग, न्यूक्लियर रिंग। और जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल चैनल, इसको कहते हैं सेंट्रल चैनल। और ये जो रहते हैं साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट, ओके। और ये जो रहते हैं इसको बोलते कहते हैं स्पोक, ये जो है इसको कहते हैं स्पोक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ओके। और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में जो रिंग प्रेजेंट रहती है, साइटोप्लाज्म में जो रिंग प्रेजेंट रहती है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक रिंग, ये साइटोप्लाज्मिक रिंग। ओके ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियर नेट, ओके ये साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इनवलप है वो माइक्रो मॉलिक्यूल को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देता है, कहाँ से इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन से, जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मगर जो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ जब से मीन्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होना है उनको, तो उनको न्यूक्लियर पोर से जाना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर पोर यही एक यही ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो माइक्रो मॉलिक्यूल जो रहते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मेनली हेल्प करता है। तो उसमें प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन्स इंक्लूड होते हैं, एंजाइम इंक्लूड होते हैं, तो उसके बाद जो ये हमारे ट्रांसक्राइब हुआ है वो भी उसमें इंक्लूड होता है, ओके। ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड से। थैंक यू वेरी मच।